सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज चुके हैं। मैं उठकर थोड़ा यूट्यूब का ही कुछ काम कर रही थी, वीडियोस वगैरह एडिट कर रही थी आप सबके लिए। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मतलब छुट्टी वाले दिन, क्योंकि आज है संडे, तो छुट्टी वाले दिन मैं कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सब थोड़ा लेट उठते हैं तो लेट ब्रेकफास्ट करते हैं तो सब कुछ लेट होता है तो चल जाता है काम। और अब ठंड थोड़ी कम हो रही है, मतलब सुबह शाम का तो ज़्यादा ठंड है ही, बट हाँ ऐसे दोपहर में ठंड कम लगती है तो थोड़ा सा मैनेजेबल है। काम वगैरह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ के देखिए मैं सोकर उठी हूँ जस्ट, और बस बैठी हूँ काम ही कर रही हूँ। और ये चोटी बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, आयुषी ने बना दी मेरी। कल ऑयलिंग करके चंपी करके अच्छे से चोटी बनाई, इधर उधर से बाहर निकल भी गए। आज करूँगी हेयर वॉश। ये देखिए मौसम, तो धूप भी निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ ठीक ठाक धूप निकल चुकी है, इसलिए मौसम अच्छा है। तो चलिए अब लग जाते हैं काम पर। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह उठते ही जो कल के कपड़े होते हैं जो थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं, क्योंकि अच्छे से जो नहीं सूख पाते मोटे वाले कपड़े होते हैं, उलन क्लॉथ्स होते हैं, तो उन सबको सबसे पहले मैं बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि आजकल अब फॉग नहीं है तो धूप निकले ना निकले, बट सो उठकर सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि इन कपड़ों को बाहर निकाल दूँ ताकि इनमें हवा वगैरह लगे। वैसे तो हमारे बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती बट हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं, तो ये मेरा पहला काम होता है कि इन कपड़ों को डाल दूँ। और ये देखिए हमारे फ्रूट्स वगैरह जो कि हम ब्रेकफास्ट में करते हैं, तो सबसे पहले हम यही खाते हैं, उसके बाद ही चाय वगैरह पीते हैं, वो आयुषी ने कट करके रख दिया है। तो अब ये सब उठेंगे तो फिर खाएंगे, तो मैं इसको रख देती हूँ साइड पे। तो यहाँ पे 3 कच्चे केले पड़े थे तो मैंने सोचा उनका ही भुजिया बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, उससे काम चल जाएगा। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करते रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जस्ट मेन हाईवे के पास ही हमारा अपार्टमेंट है, मैं बार बार आप सबको बताती हूँ। तो बस इन केलों को छील कर और पतला पतला सा स्लाइस कर लेंगे, बहुत पतला नहीं होना चाहिए और मोटा भी नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का सा मीडियम का, कि बस हमें इसको फ्राई करना है ताकि ये पक जाए, तो बस छिलका हटा के और इनको हम कट कर लेंगे। और केलों को ना हमें पानी में रखना होता है कट करके, उनको मतलब बिना पानी के ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो अब मैंने इसमें तेल डाल दिया, कल रात मैंने तेल बॉटल में डाली थी तो थोड़ा सा पैकेट में एक्स्ट्रा बच जाता है, तो तेल मैंने रख दिया कढ़ाई में। और यहाँ पे पतिदेव कुछ सामान लेकर आए हैं तो वही लाकर यहाँ पे उन्होंने रख दिया और मुझे दिखा रहे थे क्या लेकर आए हैं। तो तेल रखने के बाद हम इसमें बहुत ही सिंपल सा बस एक मिर्ची रखेंगे, मैं यहाँ पे सूखी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप सब चाहे तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ प्याज, तो सबसे पहले मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची जब हमारे थोड़े से पक जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद ही हम इसमें अपने जो कटे हुए केले हैं उनको थोड़ा सा पानी हल्का सा मतलब निकाल के, कि बहुत पानी ना जाए, उस तरीके से हम इसमें अपने सारे केले डाल देंगे। और फिर सारे केले डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, तो हमें केला जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है, उठा उठा के बस जिस तरह से आप देख रहे हो ना इस तरीके से, वरना हमारे जो केला का भुजिया हम बनाते हैं ना वो कढ़ाई से बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इसकी यही 2-3 ट्रिक्स है जो कि हमें अपनानी होती है, पहला कि आप उसे पानी में ही डालें कट करके, दूसरा कि जब आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तभी आप केले को डालें, और तीसरा कि आप इस तरीके से हल्के हाथ से उलट पलट कर ही चलाएँ, ऐसे पूरा खिचड़ी ना पकाए जिस तरीके से आप देख सकते हो मैं चला रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दिया है, आप चाहे तो नमक अभी भी ऐड कर सकते हैं बट मेरी आदत है, अगर आप सब मुझे हमेशा फॉलो करते हो, मैं नमक थोड़ा लेट से डालती हूँ। तो जब तक हम केले पकड़े हैं मैंने उनको ढक दिया है, मैं यहाँ पे पूरियाँ बना ले रही हूँ, तो पूरी के लिए पहले लोई बना लेती हूँ, और मेरी आदत है मैं पूरियाँ पहले बेल कर रख देती हूँ उसके बाद फ्राई करती हूँ, क्योंकि बेलो और फ्राई करो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मतलब उसमें ना हमें थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ता है कि हमारा गैस जल रहा हो, तब तक पूरियाँ हमने बेली नहीं है, तो इस वजह से मैं आराम से बेल लेती हूँ और फिर फटाफट से उनको निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है, आप सब देख सकते हो। तो इसी तरीके से हम भुजिया को पकाएंगे, और हर कुछ मिनट पे मतलब आधे मिनट 1 मिनट पे हमें भुजिया को देखना होता है कि हमारी भुजिया पका है या नहीं। तो भुजिया पकते टकते मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली है, क्योंकि पतिदेव को पीनी थी चाय, तो उनको उनकी चाय भी दे रही हूँ। और हमारा भुजिया लगभग पक चुका है, वो हम चेक कर लेते हैं कि वो पका है या नहीं, वो आप चेक करते रहना तो आपको भी पता चल जाएगा। तो हमारी भुजिया जो है वो पक चुका है, तो मैं इसको इस बाउल में निकाल ले रही हूँ, और क्योंकि अब पतिदेव का ऑर्डर आ गया है कि उनको हलवा भी खाना है तो हलवा मैं बना लूँगी। वैसे भी मैं तो सूजी फ्राई करके रखती हूँ, तो आज ये जो मेरा काम है उसने मेरा काम आसान कर दिया मॉर्निंग का, वरना सूजी फ्राई करने में 5-7 मिनट तो और चले जाते।
तो बस कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड, क्योंकि पतिदेव को घी पसंद नहीं है और वैसे भी घी ख़त्म था, तो मैंने रिफाइंड डाल दिया है और उसमें वही भुनी हुई जो सूजी है वो डालकर और पानी डाल दूँगी। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, बट मैंने पानी में ही बनाया है। और मतलब हमें सूजी के हलवा में पानी थोड़ा हिसाब से ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ना तो हलवा गीला गीला सा हो जाता है। तो बस उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चीनी और इसको मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे। अंश उठ गया, अंश कल हमारे साथ नहीं सोया था, दीदी के साथ सोया था, है ना अंश? भूख ले अंश को रात होता को पढ़ना होता है, 12 से 1 इसकी क्लास चलती है, इसलिए ये हमारे साथ नहीं सोया है, इसको पढ़ना है। आ जाओ अंश, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू अंश, हाउ आर यू, हाउ आर यू, नहीं बताना है, ठीक है, बाय बाय, बोलो ना गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में पूरियां तलने के लिए, क्योंकि हलवा बन चुका है, भुजिया बन चुका है, तो बस बारी है पूरियां तलने की। तो मैं रिफाइंड में डाल दिया मैंने कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने भुजिया बनाया था, और इसमें पूरियां तल लूँगी फटाफट से सारे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, मैंने पूरे रूम में पोछा लगा दिया है, बस ये लास्ट बचा हुआ था, ये लास्ट वाला रूम है, इसमें पोछा लगा रही हूँ। और मतलब ये काम करते करते लगभग 9:15 के लगभग 9 बजे आप बोल सकते हो, मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा नहीं था, मेरा ये सारा काम हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने। तो मैं ना मशीन में कपड़े लगा के अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ, कभी कभी नहा भी लेती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 1-1.5 घंटे तो लगते हैं मशीन में कपड़े धुलने में, तो वो आराम से धुलते रहते हैं, तब तक आप अपने बाकी का काम कर लो, इसके पीछे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मशीन में कपड़े वपड़े लगा लेते हैं, और फिर जो छोटा मोटा काम बचा है, बेड वेड ठीक करना, सोफ़ा वगैरह ठीक करना, वो कर लेते हैं। और बस लगभग 9:30 बजते बजते सारे काम ख़त्म हो जाते हैं इस तरीके से मेरे। उसके बाद उधर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ डाइनिंग में और बेडरूम में। यहाँ का काम मैं सबसे लास्ट में या फिर सबसे फर्स्ट में करती हूँ, कभी सबसे फर्स्ट या कभी सबसे लास्ट, जब जैसा मौका होता है उस तरीके से कर लेती हूँ, कि फिक्स नहीं है कि हाँ ये पहले करना है या बाद में करना है, जब जिधर पहले नज़र चली जाए या फिर जैसा टाइम हो उस तरीके से। तो सारे कवर वगैरह को मैं अच्छे से झटकार के, कि धूल वगैरह या फिर अंश कुछ बैठ कर खाता है वो सारी चीज़ें गिरती हैं, तो इन सबको क्लीन करके अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। इसी तरीके से रूम को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, रूम के भी बेड्स वगैरह ठीक कर देती हूँ। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, विंटर्स में मैं बिछाती हूँ वो उलन वाली जो आती है, वही तो वही डाल रखी थी मैंने, तो उसको मुझे चेंज करना है, वॉश करना है। तो रूम को भी अच्छे से सेट कर दिया मैंने, अब बस नहा कर मिलती हूँ आप सबसे। तो नहा धोकर फ्रेश होकर मैं आगे जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। तो नहा धो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है, तो कपड़े तो थोड़ा लेट डालने गई मैं ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी, खा पी के आराम से थोड़ी देर बैठ गई, कपड़े धुले तब लेकर आई, तो क्योंकि धूप भी विंटर्स में लेट निकलता है तो इसलिए काम चल जाता है हमारा। और ये देखिए छत पे पॉट्स लगाए गए हैं, मुझे नहीं पता ये कब लगे हैं, क्योंकि मैं लगभग 4-5 दिन बाद आ रही थी, तो अच्छे लग रहे हैं अभी। यहाँ पे पॉट्स वगैरह लगा दिए, कौन कौन से प्लांट्स हैं मैं तो जानती भी नहीं हूँ, शायद ये कहानी जानती हूँ, कि आप सब जानते हो तो कमेंट करना। तो चलिए कपड़े वगैरह डाल लेते हैं। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अंश भी खेल रहा है उधर, आयुषी भी इधर उधर देख रही हैं। तो आज मैं वैसे भी छत पे बहुत कम कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि अब धूप निकल रही है अच्छी सी, अब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैंने ज़्यादातर कपड़े नीचे डाल दिए। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत कम आ रही थी, तो मैं वही बोल रही थी कि अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, मुझे बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है क्योंकि मेरी आँखें नहीं खुलती हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, किस तरीके से मैं बिना मेट के काम मैनेज करती हूँ, और 10-11 बजते तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, मैक्सिमम है 11:30। तो अगर आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगा हो, कुछ भी आप सबको इसमें इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।